राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आज आप बनाना तैयार कराला पेपर पराठा इन्हीं साथ खाने वास्ते मैं आपने स्पेशल बूंदी रायता बनावनी पतूला तो इस वास्ते आप सब पहले आटो गूंदने तैयार कर ला। आटो गूंदने वास्ते मैं मेजरिंग कपड़े हिसाब डेढ़ कप आटो लिए हूँ और परात मान ले लिया आप आपरे हिसाब आटो बत्तो कम ले सको। अब इन मैंने थोड़ा सा नमक डाल दें इन्हीं साथ आप एक टेबल स्पून वजह तेल डाल दें मैं सब ने अच्छा मिक्स कर लेवा इन साथ आप थोड़ा थोड़ा करने पानी डाला ना आटो गूंदने तैयार कर पेपर पराठा वास्ते अपने रोटी आटो गूंदा के बड़ा सॉफ्ट आटो गूंदने तैयार करना है। इन तरह आप आटो गूंदने तैयार कर लिया हाँ आटो देखो एकदम सॉफ्ट आटो गूंदने जड़ा रोटी आटो वैके बड़ा सॉफ्ट आटो गूंदने तैयार कर लिया ना इतना मैं अपने मैं एक कप पानी लियो लगभग एक टेबल स्पून वजह तो पानी बच गया इन पर ढक्कन लगाना साइड में रख दे रायता बनाने तैयार कर लें। रायता बनाने वास्ते मैं 400 ग्राम दही लियो हूँ आप जब तक हो सके मोड़ो दही ले होना खट्टो दही रायता अच्छा नहीं लागे करें तो अब इन मैंने अपना एक टेबल स्पून वजह शक्कर डाल दे शक्कर और मिठास इन मैंने अच्छा लागे करें ने दही ने फैट ले दही ने फैटा उन टाबरी शक्कर डाल दे जो कि शक्कर भी पिघल जाओ दही भी फैट नहीं जाए। अब इन रायता थोड़ा पतलो कर लिया क्योंकि बूंदी डाला ला के तो थोड़ा पतलो होना चाहिए रायता तो मैं पानी गाली हूँ आधो कप आप चाहो तो इन जगह दूध डालने भी पतलो कर सको दही अच्छी तरह फैटी गए अपने। अब इन मैंने पास थोड़ा सा एक पिंच वजह तो काला नमक डाल देवा और एक पिंच वजह तो अपना सादो नमक डाल देवा नमक करे भी अपना रायतो खावना वे उल्टे हमारा डालना क्यों मन तो आपने दिखाना ही रास्ते बाहर डालना पड़े मैंने इन्हीं साथ थोड़ा सा अपना हरा धाना भी डाल देवा हरा धाना रखे टेस्ट भी मैं अच्छा लाग गया करे हरा धाना में ही मैं काटने डाल देना इन मैंने इन्हीं साथ मैं थोड़ा सा प्याज लिया इन तरह लच्छा हूँ काटने देखो गोल गोल रिंग्स वे जो काट लियो एडा प्याज के ही खाऊंडा मैंने अच्छा लगे ना थे आप प्याज नहीं खाओ तो मत डाल जो आप ना आधो कप में बूंदी ली भी हूँ अब बूंदी भी मैं डाल दे ना बूंदी नहीं मिक्स कर लिया कहीं वाला बूंदी अच्छी भीग जाए इन मैंने ना तो बूंदी है जिके दही ने एब्जॉर्ब कर लिया ला के तो खाऊंड मैंने अच्छा लगे ला अब इन मैंने पर आधो छोटा चम्मच वे तो पीसुड़ो जीरो डाल दे सब ने अच्छा मिक्स कर लिया आप चाहो तो पुदीना भी डाल सको पुदीना भी अच्छा लग गया करें इन मैंने अब इन साइड में रख दे और इन मैंने छौक लगा दे अब रायता में छौक लगाने वास्ते आप बर्तन लिया हाँ इन मैंने पास वो पहले एक चम्मच घी डाल दे मैं दही भी चीज़ हमेशा घी रे मैंने बनाया करूँ इस वास्ते मैं घी ले आप चाहो तो तेल भी ले सको तेल में भी छौक लगा सको तो घी अपना गर्म हो गया है। अब इन मैंने अपना मैं दो हरी मिर्ची ली हुई हूँ जिन्हें एक ने तो मैं दो टुकड़ा में काट ली एक ने मैं काट ली हूँ इन्हें साथ मैं एक छोटा चम्मच जीरो ली हूँ इन तरह जीरो पकान डाला जरा कहीं एक रायता रे मैंने फ्लेवर बहुत अच्छा हुआ है इन्हें साथ मैं 8-10 कड़ी पत्ता लिया हूँ ये भी पका ले यार भी स्वाद अच्छा लगेगा। एक मैं लाल मिर्ची ली हुई हूँ और साबुत लाल मिर्ची अभी मैं डाल दूँ साबुत लाल मिर्ची भी अच्छी पक गई है तो कई किने किने थोड़ा तीखो खाना अच्छा लग गया करो तो वो आप रहा खा सके। अब लाल मिर्ची पर बहुत थोड़ी सी डाला लाई मैंने रायते में ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं डालनी डाल ना पाई मैंने बस छौक लगा दी मैं गैस ना बंद कर दी हूँ। अब इन्हें छौक ने अपना मिक्स कर लिया एक रायता पाना बहुत ही अच्छा बनने तैयार हो गया और रायता पेपर पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगे ला। अब रायता ने पास साइड में रख दे वहाँ मसाला बनाने तैयार कर लिया उन वास्ते मैं 5 आलू लिया हूँ या उबलियोड आलू है इन अपा इन तरह मैस कर ला कोई तरह की काटा वगैरह नहीं रहना चाहिए अपने पराठा बना रही है वास्ते अपना कद्दूकस नहीं कर ला इन तरह मैस कर लिया अपना आप चाहो तो कद्दूकस कर लीजिए बोले कोई तरह की काटा नहीं रहे वाला पेपर पराठा अपना अच्छा बनना तैयार हो गया। सब डलियाँ आप तोड़ लिया अब आलू साथ डालने वास्ते मैं प्याज लिया हूँ एक मीडियम साइज रहा प्याज ने मैं इतना मही काट लियो देखो बहुत महीन काटने डालना तो पराठा तो बाहर नहीं निकले आप कांदा नहीं खाता हो तो आप स्किप कर दीजिए पर प्याज और टेस्ट इनमें अच्छा लग गया करें इन्हीं साथ एक छोटा चम्मच वजह कसूरी मेथी डाल दे कसूरी मेथी नहीं तरह अपना फुलकांडा इन की खुशबू बहुत अच्छी लगे ला इन मैंने दो मैं हरी मिर्ची ली हूँ ना महीन काट दी इन्हें भी ये भी मिक्स कर लिया आपका बच्चा हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाता वे आप मत डाल दो पर हरी मिर्ची अच्छी लगे खाऊँ महीन मत इन्हीं साथ एक टी स्पून वजह मैं कलौंजी ली हूँ कलौंजी भी मैं डाल दें एक टीस्पून वजह मैं अदरक और पेस्ट ली हूँ और भी मैं डाल दूँ आप अगर पेस्ट नहीं होता आप कद्दूकस करना अदरक डाल दीजिए 5-7 में कड़ी पत्ता लिया जिन्हें इन तरह काट लिया पतला पतला इन्हें कड़ी पत्ता कटोड़ा वाला जिन्हें फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगे ला ने एक टीस्पून वजह मैं अमचूर पाउडर लिया हूँ अमचूर पाउडर ही खटाई में अच्छी लगी आपने अमचूर पाउडर नहीं पसंद वे या आपके घर में नहीं वे तो इन जगह मत आप नींबू भी डाल सको ने एक टी स्पून जितो मैं जीरा रो पाउडर लिया हूँ तो जीरा पाउडर भी मिक्स कर लिया इन मैंने 1/2 टी स्पून वजह मैं गर्म मसाला डाल दूँ
अब एक टीस्पून वैसे तो मैं लाल मिर्ची डाल दी हूँ। कश्मीरी लाल मिर्ची आई वास्ते मैं एक टीस्पून डाली हूँ, आप कम खाता हो तो कम डाल दीजो। आधा टीस्पून वैसे तो मैं हल्दी डाल दी हूँ, एक टीस्पून वैसे तो इनमें नपा धनिया पाउडर डाल दी हूँ, एक टीस्पून वैसे तो इनमें नपा नमक डाल दी हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार बतो कम खाता हो तो उन हिसाब डाल दीजिए आप। एक बार सब मैंने मिक्स कर ले वहाँ पर मसाला मिक्स करिए बचा पाना टेस्ट करना देख ले होना एक होना। मैं इनमें गर्म मसाला डाली हूँ, आपको गर्म मसाला नहीं बता चाहे आप काली मिर्ची पाउडर बता वो भी डाल दीजिए बोलिए, वो भी अच्छा लग जाए इन साथ। आप रखना अदरक नहीं हुआ तो अदरक और पाउडर भी डाल सको इनमें, और मसाला पाना देखो बहुत ही अच्छा बनना तैयार हो गया। इन टाइम आप टेस्ट करना देख सको, आपने कुछ नमक कम लगता हो या मिर्ची कम लगती हुआ तो और भी डाल सको। और मसाला थोड़ा चटपटा बनाना तैयार करना, थोड़ा तीखो ही रखना चाहिए जो खाने में अच्छा लगे। अब वापस आप आटा ना देख ले एक बार, अब रायता मसाला बनाया जाता अपना आटा देखो अच्छा सॉफ्ट हो गया, बहुत ही सॉफ्ट आटा हो गया। अब आप थोड़ा सा घी मात लगा दे वहीं तरह, घी या तेल की भी लगा सको आप, आटो गूंदना तैयार कर लिया पाचो देखो आटो की तो अच्छा स्मूथ हो गया एकदम। अब इन पर लोया तोड़ लिया वहीं तरह, ज़्यादा बड़ा बड़ा लोया नहीं तोड़ा ला, छोटा छोटा लोया तोड़ना तैयार कर इन तरह देखो नींबू आकार अपन लोया तोड़ रही है, इतना छोटा छोटा लोया तोड़ा ला। पहले दो लोया तोड़ लिया हूँ मैं, आटा नपा साइड में रख दे वहाँ, आटा नपा ढक्कन लगान रख दे वहाँ, पाकते आटो सूखे नहीं पा। अब आप लोया ले लिया हाँ, लोहे माते इन तरह पलेतन लगा दे वहाँ, पलेतन लगा नपा बट ले वहाँ। इन तरह ऊपर बट लिया हाँ, काफ़ी पतला ही बटने तैयार हुआ अपन देव। इन तरह दूसरे लोहे भी अपा बट ले वहाँ, इन्हें साइड में रख दे वहाँ, न दूसरे लोहे ने इन तरह जब पलेतन लगा अपना बट ले वहाँ। जितना बड़ा आप पहले वाला बटिया का उतना ही बड़ा लगभग पाना बटना तैयार करना। देखो लगभग पर दो ही है सेम साइज है बटना तैयार करिए आप, दो साइज लगभग सेम है तो सेम साइज है रखना अपना दो। अब इन माँ आप कही है और जो मसाला बनाया नहीं मसाला लगा दें इन माते, इन तरह मसाला ना पतला पतला फैला देना, ज़्यादा जाडो नहीं रखना, पतला पतला सब जगह फैला दें, सब जगह मसाला इन तरह लाग जाना चाहिए। अब देख सब जगह एक सिरे को लगा दिया, इन तरह एक सिरे को लगा दें। अब जो का दूसरी अपन रोटी बनाई के वाइन मात रख दे वहाँ, नहीं ना अपन अच्छी तरह पैक कर लिया और अच्छी तरह पैक हो गया। अब अब ये कह रहा आप थोड़ा सा इन माता पलेतन लगा दें, थोड़ा सा पलेतन लगा दें अट्ठी ने, मैं थोड़ा सा ये पाटी ने लगा दें दो साइड पर मैंने हड़को हड़को लगा दे। अब इन्हें बट लिया वहाँ पर आराम कर धीरे धीरे बटना, इन्हें ज़्यादा जोर लगाओ तो नहीं बटना, सॉफ्टली बटने तैयार करना। तो आप देख रहे हो मसाला इन माइन दिख रही है, आप जितना बड़ा तो वह क्या उन हिसाब अपने बटना तैयार करना, और मैं इतना बड़ा बटना तैयार कर दिया लगभग 10 इंच हो गया है। अब पाकते अपना तवा ही गर्म हो गया है तो पराठा ना पास सेक लिया, आप जितना बड़ा तो वह उन हिसाब बड़ा पराठा बना सको, छोटा तवा तो छोटा पराठा बनाई जाओ, उन हिसाब आप लोई भी छोटी लीजो। पराठा डालते हैं अपना नहीं चलावना है ना, पलटना नहीं है, एक साइड पक जा वाला तो ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखो दिखना और हो जाला, थोड़ा कलर चेंज हो जाए कर ऊपर हल्को कसे करा क्या तार घूम रही आराम हो देखो, कलर चेंज हो जाए उन बाद मैंने पाई ना पलट लिया वहीं तरह। आपने दिख रही है देखो अटीन पक्की है देखो, ये तो पकते ही कलर चेंज हो जाए करें अटीन भी पक गया देखो। अब इन मैंने आप थोड़ा सा घी लगा देना, आलू और पराठा थोड़ा सा घी लगा अच्छा लगे, आप चाहो तो तेल में भी बना सको बटर में भी बना सको, बटर में भी अच्छा लग गया करें पराठा। घी आप हिसाब आप कम बता लगा सको बोली मत, दो ही साइड में थोड़ा थोड़ा घी लगा दें वहाँ देखो अच्छा फूलन डूब गया पराठा, देखो दो ही साइड पराठा पाना अच्छा पक गया है। अब इन्हें पराठा ना पाइन तरह खोल दे होना आराम खुल जाए कर पराठा, देखो पराठा इन तरह अपना आराम खुल जाए कर पराठा, देखो अपना अलग अलग हो गया दो ही पराठा। तो भाई ना पराठा ना कहीं कर गोल गोल लपेट ले, पेपर पराठा बहुत पतला हुआ इन तरह अपना गोल लपेट ले होना, गोल गोल लपेट ले लपेट ले होना अपना। अब इन पराठा नपा प्लेट में रख देना, इन्हें इस तरह ऊपर दूसरा पराठा भी लपेट लेना। यह पराठा अपने गरम गरम में रोल करना पड़े, गरम गरम रोल करे अच्छा हो जाया करें, एकदम पतला पतला बनने तैयार हो जाए करें। यूँ तो आलू और पराठा बनावा जरा अपना आलू और पराठा थोड़ा मोटा होया करे, पर पेपर पराठा बनावा जो बहुत पतला होया करे, और इनमें मसाला और स्वाद बहुत अच्छा होया करे क्योंकि इनमें आटा का पार्ट बहुत ही कम होया करे। तो आप भी आपने घर में मैंने इन तरह का पराठा बनाने रायता के साथ खाइजो, और आपने हमारे वीडियो कड़ा लगाओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मैंने जरूर बताइजो। मिला साड़ी दूजे वीडियो रमाइने, जब तक राम राम सा।